हाय गाइस, स्वागत करता हूं आप लोग का एक और नई वीडियो में। अब आज की वीडियो में हम लोग अनबॉक्सिंग करने वाले हैं पोको M3 की और उसका रिव्यू भी करेंगे और बताएंगे कौन कौन से उसके प्लस पॉइंट हैं, कौन कौन से उसके माइनस पॉइंट्स हैं, आपको उसको खरीदना चाहिए या फिर नहीं खरीदना चाहिए, उसकी प्राइस कितनी है या फिर आप वो कौन कौन से फीचर्स ऑफर करवा देते हैं या फिर वो वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है या फिर नहीं। तो आज हम लोग इसी पोको M3 की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, तो वीडियो में आगे देखते रहिए, इसकी अनबॉक्सिंग होगी, फुल रिव्यू करेंगे और बताएंगे कौन कौन से इसके प्लस पॉइंट हैं। तो चलते हैं वीडियो में बिना वेस्ट किए टाइम। मेरा नाम है अनुपम मिश्रा, आप देख रहे हैं डॉल्बी टेक चैनल। जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, ये रहा हमारा पोको M3 का बॉक्स, आप जल्दी से इसको कट कर लेते हैं। सो गाइस, ये हमारा पोको M3 का बॉक्स बाहर आ चुका है। अब इसको हम लोग खोलते हैं और देखते हैं इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। सबसे जो हाइलाइटेड फीचर है वो ये कि इसके अंदर हम लोग को 6000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, 48 MP का कैमरा है, ट्रिपल कैमरा सेटअप है, एक डेप्थ कैमरा है 2 MP का और एक 2 MP का मैक्रो कैमरा है और 48 का प्राइमरी है। बॉक्स को हम लोग ओपन करते हैं, यहाँ पे हम लोग को ऊपर एक सेक्शन देखने को मिल जाता है जिसको हम लोग ओपन करते हैं। अब जब हम इस सेक्शन को ओपन करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहली चीज हम लोग को यहाँ पे सिम इजेक्टर टूल देखने को मिल जाती है, एंड देन हम लोग इस इजेक्टर टूल को बाहर निकाल लेते हैं। उसके बाद जो है हम लोग को इसके अंदर एक पॉलीथीन देखने को मिल जाती है, जिसके अंदर पॉलीथीन में हम लोग को कुछ यहाँ पे गाइड्स दी गई हैं, गाइड्स हम लोग पढ़ते नहीं है क्योंकि हम लोग को पता है फीचर सारे। अब इसके अंदर हम लोग को एक TPU केस देखने को मिल जाता है, TPU केस की क्वालिटी हम लोग को डिसेंट देखने को मिल जाती है, रबराइज्ड है, ठीक है प्राइस रेंज के हिसाब से। अब नेक्स्ट थिंग विच यू गेट इन द बॉक्स, यहाँ पे हम लोग को एक टाइप सी केबल देखने को मिल जाती है। गाइस, इस रेंज में टाइप सी केबल देखने को मिली है, दैट इज वेरी गुड। और यहाँ पे टाइप सी केबल के बाद हम लोग को 22 W का यहाँ पे हम लोग को चार्जर देखने को मिल जाता है, हालांकि हमारा फोन ओनली 18 W सपोर्ट करता है। अब यहाँ पे हम लोग अपने फोन को जो है अनबॉक्स कर लेते हैं, मतलब कि अनकवर कर लेते हैं। फोन के ऊपर हम लोग को कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है, पीछे तरफ एक टेक्स्चर डिजाइन है और पोको की ब्रांडिंग है। यहाँ पे हम लोग को फिंगरप्रिंट साइड माउंटेड देखने को मिलता है, पीछे की तरफ नहीं दिया गया है फिंगरप्रिंट, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे साइड माउंटेड है, एज यहाँ पे हमारी स्क्रीन पे देख सकते हैं इसका फीचर, तो ये पीछे नहीं दिया गया है, साइड माउंटेड है, यहाँ पे आप हमारे स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड में हम लोग को सिम ट्रे देखने को मिल जाती है और राइट साइड में वॉल्यूम रॉकर है और उसके नीचे पावर ऑन ऑफ बटन है, देन उसके पास हम लोग का फिंगरप्रिंट सेंसर है। अब देखते हैं इसके अंदर एक डेडिकेटेड SD कार्ड का स्लॉट दिया हुआ है या फिर नहीं। सो यस दोस्तों, यहाँ पे हम लोग को डेडिकेटेड SD कार्ड का स्लॉट दिया गया है, विच इज़ वेरी गुड। और यहाँ पे उसके बाद हम लोग को इस फोन के अंदर क्या क्या देखने को मिल जाता है, यहाँ पे एक वाटर ड्रॉप नॉच देखने को मिल जाती है ऊपर साइड में, और पीछे की तरफ 48 MP कैमरा है, नीचे की तरफ आपको एक चार्जिंग पोर्ट, स्पीकर ग्रिल और माइक्रोफोन, और ऊपर की तरफ एक हेडफोन जैक, IR प्लास्टर और स्पीकर ग्रिल, डुअल स्पीकर है इसके अंदर गाइस, और ऊपर एक वाटर ड्रॉप नॉच है 8 MP की और 6000 mAh की बैटरी है इसके अंदर, जी हाँ दोस्तों, और 198 g वेट है इसका सिर्फ, जी हाँ दोस्तों 198 g, वेरी गुड। MIUI पड़ा हुआ है इसके अंदर, जल्दी से इसको सेटअप कर लेते हैं फिर आगे पास आते हैं वापस। सो गाइस, द सेटअप हैज कंप्लीटेड, यहाँ पे हम लोग का सेटअप हो चुका है। अब सेटअप कंप्लीट होने के बाद हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि इसके अंदर हम लोग को कौन सा एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर वर्जन देखने को मिलता है। सेटिंग में जाते हैं, अबाउट फोन, और यहाँ पे एंड्रॉइड वर्जन, इस पर क्लिक करते हैं तो एंड्रॉइड 10 देखने को मिल रहा है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, प्राइस रेंज के हिसाब से जस्टिफाई करता है। और सर्टिफिकेट है यहाँ पे, थोड़ा सा लैगी मुझको देखने को मिल रहा है, लैगी एक्सपीरियंस है ऐप ड्रॉअर में, बट ठीक है प्राइस रेंज के हिसाब से हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग इसका टच सेंसर देख लेते हैं। अब इसकी प्राइस रेंज आपको बता देता हूँ, प्राइस रेंज यहाँ पे इसकी 10,500 है, 4 GB रैम और 64 GB वेरिएंट की, और 6 GB रैम 128 GB की 12,500, तो बहुत ही अच्छी प्राइस रेंज पे आ रहा है। स्नैपड्रैगन 662 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, विच इज़ वेरी गुड। LPDDR4X रैम देखने को मिल जाती है। कैमरा के यहाँ पे हम लोग टेस्ट करते हैं, तो कैमरा हमें आपकी इसकी फोटो आपको खींच के आपके स्क्रीन पे दिखा देता हूँ कैसी फोटो ये लेता है। सो गाइस, अभी आपने स्क्रीन पर देख लिया कि ये कैसी फोटोज़ जो है क्लिक कर सकता है, और यहाँ पे प्राइस रेंज के हिसाब से मुझे ये फ़ोन बहुत ही ठीक लगा। पबजी के हिसाब से, आप गेमिंग के हिसाब से नहीं ले सकते हो, लेकिन अगर आपको ऑफिशियल वर्क ज़्यादा है, लाइक अगर आप पेमेंट करते हो ऑनलाइन या फिर आपको ऑनलाइन काम ज़्यादा रहता है, तो ये आपके हिसाब से बहुत ही अच्छा फ़ोन है, आप इसको कंसिडर कर सकते हो। अभी इसकी प्राइस जो है 10,999 चल रही है फ्लिपकार्ट पे, तो आप इसको बाय कर सकते हो। गाइस, होप करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी पोको M3 की अनबॉक्सिंग की। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपको भी इंटरेस्ट है भाई लोग ऐसे ही गेमिंग और PC रिलेटेड करना है, तो भाई क्या करो यार, जल्दी से करो चैनल को सब्सक्राइब, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालेंगे तो मिल जाएगी आपको उसकी इंस्टेंट नोटिफिकेशन। अब अगर आपको ये पोको M3 आपको बाय करना है, तो लिंक जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी, वहां से आप उसको बाय कर सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।